अच्छा 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 हाँ हाँ ठीक है ओके। ये देबुदा देबुदा अजो नॉरेन का फोन आया था, वो क्या बोल रहा था कि अपना रेट 30% बढ़ा दो, किंतु प्लीज फिल्म साइन कर लो। रेट तो मैं बढ़ा लूंगा प्रबल बाबू, लेकिन साल में दिन कैसे बढ़ाऊंगा? अरे हम भी तो वही बोल रहा था कि हमारा देबुदा इस बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक नंबर का सुपरस्टार है, उनका पास में आगामी 3 साल तक डेट क्या खोजूर भी नहीं है। हमने बोला वेट करो। ठीक हो तुम्हें, ये लोग हैं तो मैं हूं। सॉरी लाइ जी हाँ ठीक है, ये आगे की डेट्स की बात आप प्रबल बाबू से कीजिए। या आई विल कॉल यू बैक। दादा ऐसे कहते दादा आशो आशो क्या बोल आशो भालो भालो दादा बेस भालो देखा चे एक बारे फाटा फाटी। अच्छा दादा आमी एक टा सीक्वेंस भेजे ची, आप ऊपर है ना, ऊपर से जंप करने का और इधर गुंडा लोग हैं, तो आप ऊपर से जंप करेगा, जंप करके नीचे आएगा और गुंडा लोग को मारपीट करेगा। दादा अभी कॉमन शॉट ले रहा है, बाद में बॉक्सा पीछा देगा, ये स्क्रिप्ट ले लो। देबू जी जब सेट पे आता है तो पूरी तैयारी के साथ आता है, मेरा एक उसूल है, प्रोड्यूसर का पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। शॉट रेडी आछे? हां शॉट रेडी आछे एकदम रेडी, लेट्स गो फॉर द टेक। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत डेंजर है, एक बात बोलेगा आपको, आप एक स्टंटमैन ले लो। अगर मुझे खतरा तो उसे नहीं होगा क्या? कम ऑन प्रबल बाबू, आप जानते हैं कि मैं अपने सारे स्टंट खुद करता हूं। डोंट वरी। घोष बाबू मेरी वजह से स्टंटमैन का पैसा नहीं रुकना चाहिए, जस्ट पे हिम। हां दादा आपनी तो इंटरेस्ट ईयर किंग उच्चैन किंग। रेडी फॉर द टेक, साउंड कैमरा एंड एक्शन। कभी नहीं सोचा था कि मैं पैरालाइज्ड हो जाऊंगा। What an irony, देवजीत। ये वही तुम थे और ये वही तुम। एक बेबस लाचार क्वाड्रिपलेजिक पेशेंट। I don't want to watch this. शमोना, पिशीमा, कोई है क्या? बंद करो इस बकवास को, बंद करो। थैंक गॉड तुम आ गए शमोना, वरना आज इस टीवी को उखाड़ कर मैं खिड़की से बाहर फेंक देता। टीवी से इतनी नफरत? टीवी से नहीं, इस आदमी से, द सुपरस्टार देबोजीत। आई हेट दिस मैन। पर वो तो आप ही हो ना। मैं नहीं शमोला, कहां ये कोलकाता का सुपर मेगा स्टार, द बेस्ट रोमांटिक सुपरस्टार,
जिसकी एक उंगली पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री घूम जाती थी। हा? और कहा ये इतने सालों से एक जिंदा लाश की तरह इस बेड पर पड़ा हुआ एक एक अपाहिज जो जो अपने उंगली से 2 इंच दूर पड़े रिमोट को नहीं उठा सकता। और अगर तुम कहती हो कि वो इंसान मैं हूं, then I hate myself. I hate my life, Shivam. I hate my life. मौत से भी बदतर जिंदगी है मेरी। Shimon, Shimon, listen to me. इतने सालों तक तुमने मेरा साथ दिया, बस एक आखिरी बार मेरा साथ दे दो। Please, Mr. Sharkar, this conversation is over. My life is over. Shimon, why don't you understand? Why don't you understand my pain? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है शिमोना? 1000 बार कहो तो भगवान भी झुक जाते हैं। पहले तुमसे 1,00,000 बार कहा है शिमोना। और मैं आपसे 1,00,000,000 बार कह रही हूँ। I can't do this. हाँ, I understand. I understand. तो मेरी मदद क्यों करोगी? है ना? तुम्हें तो मुझे ऐसे देखकर एक पावर ट्रिप मिलता होगा। You get a kick out of it. कि the mega superstar देबोजीत तुम्हारा मोहताज है। और तुम्हारे बिना पानी का एक घूंट तो क्या? बाथरूम तक नहीं जा सकता। You love it, yeah? I hate you. अच्छा, 15 मिनट में सूप खत्म करना पड़ेगा, वरना दवाई के लिए देर हो जाएगी। मैं नहीं पीऊंगा। I'll not drink that soup. वैसे ना सही तो भूखा रहूंगा और ऐसे ही मर जाऊंगा। Good idea. इसमें तो मेरी कोई मदद ही नहीं लगेगी, है ना? You know what, Shimon? I actually hate you. I hate you so much. And I. Hello. Shimo, I'm sorry, please. मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, बात नहीं कर सकती। हाँ, वैसे भी उस बेकार सुपरस्टार को तुम कहाँ छोड़कर जाने वाली हो? उसी की वजह से तो हमारे भी बस बहुत हो गया। किसका फोन था? किसी का नहीं। अपने बॉयफ्रेंड का फोन मुझसे छुपा रही हो, है ना? इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो शिमोना, इसीलिए तो मुझे मार नहीं सकती। Because you love me, isn't it? कौन यहाँ फिर से मरने की बात कर रहा है? कि होच्चे की? यहाँ मैं गुवाहाटी से लेके हिमालय तक तेरे लिए घुटने घिस रही हूँ और तू वहीं पे अटका पड़ा है। आज तू मुझसे मार खाएगा। पिशिमा, आपने ठीक बोलचें। आज तो आप इनको एक लगाई दो, अब आप ही उनको ठीक करो। काश मैं इसको ठीक कर सकती, पर तू देखना बोबो, एक दिन तू अपने पैर पे खड़े होके मेरे पास आएगा और मेरा आशीर्वाद लेगा और मुझे थैंक यू बोलेगा। थैंक यू बोलूंगा मैं पिशिमा, थैंक यू मैं जरूर बोलूंगा। लेकिन तब जब शिमोना ये सारे वायर्स निकाल देगी, ये सारी मशीन हटा देगी और फाइनली मुझे पिशिमा। हाँ, तेरी माँ नहीं हूँ। अगर मैं तेरी माँ होती तो क्या तू मुझे ऐसा बोल सकता था? आप मेरी माँ की जगह ले ही नहीं सकती, क्योंकि आप मेरी माँ नहीं, भगवान। जिंदगी में आप ही ने मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होना सिखाया। अब फिर मैं तुझे तेरे पैरों पे खड़ा करूंगी। अभी मैं तेरे लिए जगू दादा का प्रसाद लेके आई हूँ, तू ये खाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। No, not again, पिशिमा, प्लीज। पिशिमा। प्रबल बाबू केमन आछो? भालो सर। प्रबल बाबू आप मेरी दवा लाए ना? हाँ, लाए ना सर, ये जा। ग्रेट, थैंक यू। इटे की वो इंजेक्शन है, इंजेक्शन लाइक बोटॉक्स, अपने शरीर का ना सही लेकिन अपनी इन ड्रॉप डेड गुड लुक्स का तो मेंटेन कर ही सकता हूँ मैं, है कि नहीं? माँ
माँ दुर्गा तू मेरा जान ले ले, पर मेरे बच्चे को पहले के जैसा कर दे। 6 साल से मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, अब बोबो का ये हाल मुझसे देखा नहीं जाता है। एक और उपकार तुम कर दो बोबो के ऊपर, और मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, किच्छु चाहे वो ना माँ। Bloody fantastic. Vishiba! Vishiba! Godavari! Prabha Baba! गोदावरी को है क्या? अरे बोबो, देवुदा, बोबो, देवुदा, कहाँ चले गए थे तुम सब लोग? बेटा मुझे माफ कर दे, मैं अंदर मंदिर में। शिवा, शिवा ना का फोन लगा। पर क्या? मुझे उससे अकेले में बात करनी है अभी इसी वक्त। पर क्या? बिशी! Pick up the phone, Shimona. Hello? Shimona. 1 करोड़ और 1 बरोड़ मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मुझे इस श्राप से छुटकारा दिलाओगी? प्लीज मिस्टर शॉर्टकट। देवोजीत, देवोजीत नाम है मेरा। ओके ओके, लुक देवोजीत, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है मत करो, लेकिन लेकिन फोन काटते ही मैं अपने दांतों से खुद अपनी जबान काट लूंगा। एंड आई विल ब्लीड मायसेल्फ टू डेथ, याद रखना। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मरने का फैसला तो मैं कर चुका हूँ शिमोना, फैसला तुम्हारे हाथ में कि तुम मुझे कैसे मरते हुए देखना चाहती हो, तड़प तड़प के या फिर आराम से। उस इंजेक्शन में कोई भी बोटॉक्स जैसी चीज नहीं है, उसमें पोटेशियम क्लोराइड है, जिसे देते ही दिल अपने आप रुक जाता है। नहीं, नहीं, आप जैसा कहेंगे मैं करूंगी। हाँ, लेकिन आप कुछ मत करना, मैं अभी आती हूँ ना, प्लीज आपको वो इंजेक्शन देना ना, मैं दूंगी मैं, लेकिन आप प्लीज कुछ मत कीजिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ, अभी आती हूँ। हे भगवान। अरे दरवाजा खुला है कैसे? गोदावरी, दरवाजा क्या खुले चे? के कान चे? नहीं, 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 नहीं।
ओह देबू, आई मिस यू, आई मिस यू अ लॉट। मिस्टर चैटर्जी, आप केस कब तक फाइल कर देंगे? बहुत जल्दी मैडम। जो सोचा था उसका उल्टा ही हुआ। डैम! सर, सुमोना मेरी मंगेतर है। एक्चुअली थी, एक साल पहले उसने हमारा रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन सर, मैं अभी भी बहुत प्यार करता हूँ उससे, उससे शादी करना चाहता हूँ। पर वो, खैर छोड़िए, लेकिन वो कातिल नहीं हो सकती सर। देख 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 शमन, तेरा केस बाकी केसेस से अलग है। ये कातिल, मर्डरर, हत्यारा, ये बात की बात है। तेरा केस यूथनेजिया के बारे में है, मसी किलिंग, जिसे हिंदी में हम इच्छा मृत्यु कहते हैं। और इस विषय पर सदियों से विवाद चल रहा है। कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, कुछ समर्थन करते हैं, किंतु कानून, कानून इसे आज भी अवैध मानता है। इट्स इलीगल। लेकिन सर, जब जीने की उम्मीद अक्सर खत्म हो जाए तो डॉक्टर्स अपने पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को खुद ही कह देते हैं कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लो। मैं समझता हूँ ये एक डॉक्टर और पेशेंट की फैमिली के बीच में सेंटिमेंटल बातें हैं, लेकिन मैं एक वकील हूँ, क्या कहूँ मैं अदालत में जज से कि शुमोना ने देबोजीत को अपने दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए उसकी हत्या कर दी। मैंने अभी भी तुझे समझाया कि कानून की नज़रों में मर्सी किलिंग, इच्छा मृत्यु, इल्लीगल है, अवैध है। भले ही देबोजीत को अपने बाकी का जीवन उस बिस्तर पर गुजारना पड़ता, चाहे कितना भी कष्ट होता, किसी हाल में भी कानून उसे अपना जीवन लेने का अधिकार नहीं देता। सर प्लीज, एक बार आप शुमोना से मिल तो लीजिए। उसका कहना है कि उसने देबोजीत को नहीं मारा। She is innocent. Is she? She is, सर। पूरा विश्वास है तुम्हें इस बात? हाँ, है यकीन। Okay. Milord, lo and behold, पोटेशियम क्लोराइड डेरिवेटिव कॉन्सेंट्रेटेड, जिसका 5 ml का इंजेक्शन मिस्टर देबोजीत सरकार को दिया गया, जिसके तुरंत बाद उनका दिल का धड़कन इंस्टेंटली रुक गया। इंजेक्शन का मार्क उनका लेफ्ट हैंड में है और टाइम होगा ये कोई 9 बजे के आसपास, यही रिपोर्ट का अनुसार। और वो इंजेक्शन देने वाली मर्डरस मेड इन मिस सुमोना चैटर्जी। नहीं सर, मैंने उनको इंजेक्शन नहीं दिया, मैं उन्हें नहीं मार सकती। Is that so? Your Honor, सत्यजीत रे का एक तो सिनेमा में एक बार ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट हो गया था। वो सिनेमा का नाम हमको अभी याद नहीं है, किंतु अपना पहला विटनेस का नाम हमको बहुत अच्छे से याद है। लेट मिस्टर देवोजी सरकार का मैनेजर कम पीए मिस्टर प्रबाल दास। देवू दा को हमने खुद फोन पर सुमोना से बात करते हुए सुना कि आ करके हमको लीथल का इंजेक्शन दे दो, और यही काम सुमोना ने किया सर। तो दास बाबू, आप अदालत को ये भी बता दीजिए कि देबोजीत सरकार सुमोना मैडम से ये रिक्वेस्ट कब से कर रहा था कि किल हिम मर्डरसली। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, किल इज द रॉन्ग वर्ड, उचित शब्द होगा यूथनेसिया, इच्छा मृत्यु। पाठक बाबू, आपका ये बात से हमको शेक्सपियर का एक तो प्ले याद आ गया। नाम हमको याद नहीं है प्ले का, किंतु उसमें एक तो लाइन था, बहुत भालो लाइन था। और लाइन ए था कि अ रोज इज अ रोज बाय एनी अदर नेम, नाम में क्या रखा है, जो आप बोल रहा है उसका कोई भी नाम रख दीजिए। बात यही है कि इसका एंड क्या है, इसका रिजल्ट क्या होगा। कानून की इजाजत के बगैर एक आदमी का हाथ से दूसरे आदमी का मौत, इट्स अ मर्डर इन माय बुक ऑफ लॉ, इट्स अ मर्डर इफ नॉट कोल्ड ब्लडेड मर्डर बट मर्डर। सर, पिछला 3 साल से देबूदा सुमोना से यही बोल रहा था कि हमको वेजिटेबल जैसा जीवन नहीं जीने का है, खत्म कर दो हमको, किल मी, और यही काम इसने किया। एडमिट करो सुमोना कि तुमने ही देबोजीत सरकार का जान लिया, तुमने ही उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटा दिया। योर ऑनर, फीडिंग ट्यूब, ये जो ट्यूब लगाता है इसमें, वेंटिलेटर पे, सब जगह इनका फिंगरप्रिंट पाया गया है रिपोर्ट का।
और वो सिरिंज जिससे मिस्टर देवोजीत को इंजेक्ट किया गया? वो तो जाहिर है, अच्छा वे मैडम किधर में फेंक दिया होगा। नहीं सर, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उस इंजेक्शन को देखा तक नहीं। मैं जब वहां पहुंची तो उनके सारे ट्यूब्स निकले थे, मैं उन्हें वापस लगा रही थी, इसके वजह से मेरे उंगलियों के निशान आ गए। मेरा विश्वास कीजिए, मैं उनको वहां मारने नहीं बचाने गई थी। जब उन्होंने फोन पर कहा कि वो अपने दांतों से जुबान काट लेंगे, मैं बस उन्हें रोकने के लिए हाँ कहा और मैं फौरन उनके घर के लिए निकल गई। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो दरवाजा पहले से ही खुला था। पिशिमा, देवुजी, एक नर्स हूँ, मैं सिर्फ लोगों की जान बचाती हूँ, लेती नहीं। और देवोजीत सर के साथ मेरा रिश्ता की जान लेने से पहले मैं अपनी जान शोना, तुम्हारे कथन के अनुसार समय तुमने देवोजीत के घर में प्रवेश किया तो वहां आपने मेज पर पड़े हुए एक मोबाइल फोन को बजते हुए सुना आपने? हाँ। किसका था? नहीं, मैं जल्दी में थी, मैंने देखा नहीं। आप जल्दी में थी तो आपने देखा नहीं? योर ऑनर, पुलिस ने बड़े ध्यान से देखा किंतु उन्हें वहां कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ। प्रश्न उठता है कि वो मोबाइल फोन था किसका। देवोजीत की पिशी माँ, उनकी बुआ मंदिर गई थी, अपना मोबाइल फोन साथ लेकर गई थी, तो फिर मिस्टर दास, हो सकता है कि वो मोबाइल फोन आपका था। आप कब किस समय पहुंचे थे वहाँ? शाहराम पिशी माँ को ढूंढने के लिए बाहर गया हुआ था। हमने उनको बहुत बार उनका फोन लगाया किंतु उनका फोन आउट ऑफ रीच आ रहा था। उसके बाद में हमको पता चला कि वो तो घर पर आ गई है। उसके बाद में हम घर पर यही बताने के लिए आया कि दादा का जान खतरा में है। वो सर, हमारा तो यही फोन है, यही था और कल भी यही रहेगा, ऑल द टाइम। ठीक, ये बताइए मिस्टर दास कि वो पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन क्या शुमोना लाई थी या नहीं? सर, वो तो हमने खुद लाया था। मतलब आप अपने मास्टर की मृत्यु का सामान स्वयं लेकर आए उनके पास? हा? दुर्गा मां का कसम, हमको नहीं पता कि उसमें क्या था, क्यों था। वो तो दादा ने हमको बोला कि इसमें बोटॉक्स टाइप का इंजेक्शन है, वो चेहरा में जो वो लाइन आ जाता है वो ठीक करने के लिए, पोटेशियम क्लोराइड। हमारा एक दोस्त है, वो लैब में काम करता है सर, उसी ने हमको दिया था। और आपके दोस्त ने, आपके मित्र ने आपको सचेत नहीं किया कि पोटेशियम क्लोराइड एक जानलेवा सॉल्यूशन है, इससे चेहरे की झुर्रियां नहीं जीवन मिट सकता है, ये नहीं बताया? विश्वास कीजिए सर, सत्य बोलची, असली में वो इंजेक्शन मेरा दोस्त का असिस्टेंट उसने दिया था, नया था सर। सर सीरियसली बोल रहा हूँ, वो कम्युनिकेशन गैप हो गया था हम दोनों के बीच में। अब गैप है या ट्रैप है ये तो समय ही बताएगा मिस्टर दास। शुमोना जी, आपने अपने कथन में कहा कि जब आप देवोजीत के घर पहुंची तो उनका मुख्य द्वार पहले से ही खुला हुआ था, राइट? हाँ। और जब आप देवोजीत के कक्ष में गई, कमरे में गई, तो आपने वहां से बाहर कोई आवाज सुनी, घंटी की आवाज, क्या कौन सी आवाज थी? वो मेन डोर के ऊपर विम चैम्स लगा था, वो उसी की आवाज होगी शायद। क्या यही विम चैम है?
हाँ हाँ यही था, यही वेंट चाइम है यहाँ। देवोजीत सरकार का मुख्य द्वार 7.5 फुट ऊंचा है और उस नाप से ये वेंट चाइम जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर लटकते हैं। आप बोलना क्या चाहता है पाठक बाबू? मैं ये बोलना चाहता हूँ मिस्टर मजुमदार कि शुमोना के कथन के अनुसार ये जब वहां पहुंची तो किसी का मोबाइल फोन मेज पर बज रहा था, जो कि बाद में पुलिस ने वहां से बरामद नहीं की। ये जब अंदर थी तो इन्होंने ये विंड चाइम बजते हुए सुना और जैसे ही शुमोना ने देवोजीत के कमरे में प्रवेश किया, छिपा हुआ हत्यारा बाहर निकला, उसने मेज से अपना मोबाइल फोन उठाया और मुख्य द्वार से बाहर चला गया। किंतु बाहर जाने से पहले उसका सर इस विंड चाइम से टकराया, जिसके कारण इसकी आवाज हुई। इसका अर्थ ये हुआ योर ऑनर कुल मिला के कि हत्यारे का कद 6 फीट। खूब भालो, बहुत अच्छा थ्योरी आप बताया है। आपका थ्योरी के हिसाब से तो कमरा का भीतर में ऑलरेडी 6 फुट का एक ठो क्राइम प्रिपेटर मौजूद था। जी। दादा, आपका ये जो बात बोला है उससे हमको साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस का एक ठो और थ्योरी याद आ गया। अब थ्योरी तो हमको अच्छे से याद नहीं है, किंतु बात बहुत क्लियर है। पॉइंट ये है कि ये जो बीन चाइम होता है उसका नाम बीन चाइम ऐसे ही नहीं होता है, क्योंकि ये जो बीन चाइम होता है ये किसी के टकराने के अलावा हवा से भी बजने सकता है। दिखाता है, आवाज करता है। धन्यवाद आपकी इस थ्योरी के लिए मिस्टर मजुमदार। ये भी बता दीजिए कि उनके कमरे में सारी खिड़कियां बंद थी, हवा आने जाने का कोई जरिया नहीं, तो फिर कहां से हवा आए? आप भूल रहा है पाठक बाबू, वो मैडम अभी अभी बताया अदालत को कि इनके आने से पहले कमरा में प्रवेश का पहला ही वो दरवाजा खुला था। दरवाजा खुला था, मेन डोर खुला था मिस्टर मजुमदार, किंतु मेन डोर के आगे एक लंबा सा अंधेरा सा कॉरिडोर है जहां से हवा आने जाने की कोई गुंजाइश नहीं। बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि क्यों उस जगह पर ये विंड चाइम लगाया होगा किसी ने। आप मान भी जाइए ना पाठक बाबू कि जो बात आप बोला है वो केवल और केवल एक थ्योरी है, कोई पक्का सबूत नहीं है। पक्का सबूत वो होगा जो अब हम अदालत के सामने में पुट ऑन करेगा। देवोजीत सरकार का वाइफ को हम बुलाना चाहता है, शांतलि। बिना किसी डाउट के मुझे पूरा यकीन है कि देवोजीत को शुमोना ने मारा है। और आपके इस यकीन का आधार क्या है? क्या आपने शुमोना को हत्या करते हुए देखा? क्या आप थी वहां? क्योंकि अगर आप हील्स पहन ले तो मुझे लगता है आपका कद करीब करीब 6 फीट तक पहुंच जाएगा। नहीं, आई मीन ऑफ कोर्स नॉट। और ये लड़की देवोजीत की कभी कोई बात नहीं टालती थी। इनफैक्ट ये उससे इतनी प्रभावित थी, इतनी इन्फ्लुएंस थी कि उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। ये बात मुझे देवोजीत ने खुद इसकी वफादारी की तारीफ करते हुए बताया था। बहुत सालों से देवोजीत को एक रेयर ग्रामोफोन रिकॉर्ड चाहिए था, 1943 क्लासिक रागरास। रागरास? ओह, क्या कमाल का रिकॉर्ड है, क्या कमाल का गान है, 1000 बार से भी ज्यादा हम सुना है उसको। क्या बढ़िया पोएट्री है, कमाल का ऑर्केस्ट्रेशन है, ग्रेट सिंगर आनंदो मुखोपाध्याय। दिव्येंदु दासगुप्त। ओई ओई मैडम, नाम में देखिए कुछ नहीं रखा है, प्लीज कैरी ऑन। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद देवोजीत को वो रिकॉर्ड नहीं मिला। लेकिन फिर एक दिन हैप्पी बर्थडे मिस्टर सरकार। वाओ, दिस इज माय फेवरेट रिकॉर्ड, यू नो दैट, रागरस। लेकिन तुम्हें कहां से मिला ये? ये तो एक ही कॉपी अवेलेबल है, वो भी उस खड़ूस देवेंदु दा के पास। मैंने कितनी बार उससे मांगा भी, यू नो आई ऑफर्ड हिम सो मच मनी, बट उन्होंने कभी नहीं दिया। तुम कहां से लेकर आए? कहीं तुमने चुराया तो नहीं? डोंट टेल मी, आर यू सीरियस? तुमने चुराया है ये रिकॉर्ड? मैं आपके लिए चोरी तो क्या, कुछ भी कर सकती हूँ। व्हाट, यू आर जोकिंग? नो, आई डोंट बिलीव दिस। ओह गॉड, थैंक यू शिमोना, तुम्हारे लिए ये कर सकती हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था। थैंक यू।
बड़ा अद्भुत कनेक्शन जोड़ा है आप। ये कहना चाहती हैं आप कि अगर शुमोना चोरी कर सकती है तो वो हत्या भी कर सकती है, ये कहना चाहती हैं आप? वाह केडी बाबू, बहुत अच्छा बोला है आप। किंतु आपका ये बात से हमको एक बहुत फेमस बंगाली थिंकर का बात याद आ गया। नाम तो अभी याद नहीं है उसका, किंतु वो ऐसा बोला है कि चोरी एक पैसे का हो या लाख का, चोरी चोरी होता है। किंतु बात इधर चोरी और मर्डर का है ही नहीं, बात है नियत का। चांदली मैडम का बात से बिल्कुल साफ पता चलता है कि सुमोना देवजीत के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसके बाद वो इतना पसंद करती थी कि उसका बात सुनने के बाद उसको सच झूठ सही गलत कुछ पता नहीं चलता था। उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, उसका जान लेने का हद तक भी जा सकती थी। एक ही नहीं, ऐसे 10 किस्से बता सकती हूँ जिससे ये साबित होता है कि शुमोना ने देवजीत की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जायज नाजायज जिद को पूरा किया। यहाँ तक कि उसकी खुशी के लिए उसको खुदकुशी करने में भी मदद की। हाँ हाँ, मैं देवजीत सर के लिए कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी, अपनी जान दे सकती थी, लेकिन उनकी जान, उनकी जान में कैसे ले सकती थी? क्यों लेती मैं जान? क्यों नहीं लेती उसकी जान? क्योंकि मैं उनसे प्यार करती थी। I loved him. I loved him. आजा, आजा। उसकी तरफ को सुकून में बदलने के लिए मैं कोई भी गुनाह कर सकती थी, कोई भी। आप जानना चाहते हो ना कि देवजीत को किसने मारा? पुराने रिश्ते नातों के खातिर मैं इतने दिन चुप थी, लेकिन तुमने जो किया तुम्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए शायद। शायंदे, कैसा बात करता है मैडम? अरे आपका केस तो खुद ओ केडी साहब के पास में लेके गया है। केडी बाबू, ये तो सर्टिफाइड फैक्ट है, हाँ? क्योंकि उस वक्त देवजीत के घर में मेरे आने से पहले और कोई नहीं, शायंदी था। मैं जब वहां पहुंची तो मैंने देवजीत के घर के बाहर इसकी मोटरसाइकिल पार्क देखी। अब बताओ, तुम नहीं थे वहां पे? हाँ, मैं देवजीत के घर जरूर गया था, लेकिन उसको मारने के इरादे से नहीं। मैं इस बात से वाकिफ था कि शुमोना देवजीत से बहुत प्रभावित है, उसकी किसी भी बात को नहीं टालेगी। इसलिए मैं देवजीत को रिक्वेस्ट करने गया था कि वो किसी भी तरह शुमोना को कन्विंस कर ले मुझसे शादी करने के लिए। और जब मैं वहां पहुंचा तो घर का दरवाजा खुला था। स्वेयर, मैंने देवजीत को नहीं मारा। और देवजीत के घर में जो मोबाइल फोन शुमोना ने बचते हुए सुना था, हाँ, वो मैंने भी सुना, लेकिन वो फोन मेरा नहीं था सर। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इस डर से कि शक तुम पर जाएगा? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि इस बात का पता शुमोना को चले, क्योंकि अगर उसे पता लग जाता तो वो मुझसे कभी बात नहीं करती सर। और मुझे नहीं पता था कि उसने मेरी बाइक नीचे देख ली। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम हमेशा मुझसे कहते थे कि देवजीत को मार क्यों नहीं देती। उसके मरने से वो आजाद हो जाएगा और हम भी। तुम जलते थे उससे। नहीं नहीं शुमोना, ऐसा। हाँ, इसलिए तुमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। I hate you.
रे बाबू बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ए सुमना मैडम अदालत के सामने में कितना भी ड्रामेबाजी कर ले सजा से खुद को बचाने नहीं सकेगा। तो मजुमदार बड़े दावे से आप मेरे मुवक्किल का जुर्म दर्ज कर रहे हैं, ये तो बताइए कि ये हुआ कैसे? जरूर जरूर पाठक बाबू, आपका ये सब बात सुन के और ये सब सिचुएशन देख के हमको एक तो एड फिल्म याद आ गया। दादा प्रोडक्ट हमको याद नहीं है किंतु दावे से कहता है जरूर कोई बंगाली वो एड फिल्म बनाया होगा। अच्छा आप वो एड फिल्म के भीतर में होता क्या है, एक तो आदमी का मर्डर हो जाता है, डेड बॉडी उधर में पड़ा है और सब लोग ढूंढ रहा है कातिल कौन है कातिल कौन है कातिल कौन है। अचानक वो लाश खड़ा हो जाता है और बोलता है मुझे इस आदमी ने मारा और उसके बाद मर जाता है। ये चल हमको ऐसा लगता था कि सीरियसली ये सब फिल्म में सिनेमा में एड फिल्म में होता है किंतु ये तो रियल लाइफ में हो रहा है। मजुमदार कम टू द पॉइंट, मुद्दे पे आइए। आता है दादा मुद्दे पे आता है। चाचा आज दोपहर को पुलिस को स्वर्गीय देवोजीत सरकार के कमरे का अलमारी से एक कैमरा बरामद हुआ है और जांच करते हुए ऐसा मालूम हुआ है कि इस कैमरा का भीतर में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ है, ऐसा सबूत मिला है जो इस केस का रुख पलट सकता है। ये तो हमको भी मालूम नहीं है चाचा अब इसमें क्या है किंतु जानना जरूर चाहता है कि इसमें क्या है। प्लीज प्ले। हाँ कैमरा ऑन है, वहां पर वो टेबल पड़ा है उसे लेकर आओ। हाँ हाँ वही वाला, रिया मेरे सामने रख दो, अभी कैमरा उसके ऊपर रख दो। नहीं थोड़ा थोड़ा इधर घुमाओ ताकि मैं देखूं, और तुम इधर आके मेरे सर के पीछे ये तकिया लगा दो, प्लीज हेल्प मी। दादा मैं कॉल जाऊं? हाँ तुम जाओ, शिमोना भी आने वाली होगी। योर ऑनर हमारा रिक्वेस्ट है कि इस चीज को नोट किया जाए कि स्क्रीन के ऊपर में जो टाइम डिस्प्ले हो रहा है वो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डेथ के ठीक 5 मिनट पहले का है, काइंडली नोट। इस वक्त जो भी ये फुटेज देख रहा है मैं उसे बता दूं कि मैं देवजीत सेन अब जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ अपने पूरे होश आवाज में कह रहा हूँ। अब से बस कुछ ही देर बाद मेरी डियरेस्ट नर्स, मेरी हमदर्द, मेरी दोस्त शुमोना यहाँ आएगी और मुझे ये पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन लगाएगी। इसे देने के बाद वो मुझे मेरी इस पैथेटिक सिचुएशन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देगी। ओह आई एम सो हैप्पी, फाइनल रिलीफ, फाइनल रिलीफ। उसके बाद मैं तो आजाद हो जाऊंगा लेकिन बेचारी शिमोना को कैद हो जाएगी। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी इस मौत के लिए शिमोना जरा भी एक परसेंट भी जिम्मेदार नहीं है क्योंकि मैंने उसे खुद कहा है और आज नहीं पिछले कई सालों से मैं उसे जोर दे रहा हूँ ये कदम उठाने के लिए, उसे मजबूर कर रहा हूँ, इनफैक्ट धमका रहा हूँ। इसीलिए अगर आपको मेरी मौत के लिए किसी को सजा देनी है तो प्लीज़ मेरी लाश को सजा दीजिए। शिमोना सिर्फ मेरी नर्स थी लेकिन अब वो मेरी सेवियर होगी, मेरा किला मेरा सेवियर। शिमोना आ गई तुम, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं तुम्हारे बारे में ही बात करता था। अरे ये क्या, अफसोस तुमको एक केस के अंदर पूरी तरह से फंसा दिया। नहीं नहीं एक बार और दिखाता है आपको, ये देखिए मेरा किला मेरा सेवियर। देखिए देखिए शिमोना आ गई तुम, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं तुम्हारे बारे में ही बात करता था। अरे ये क्या, योर ऑनर केस एकदम क्लियर है। मर्डर का टाइम रात को ठीक 9 बजे, कमरा का भीतर में केवल 2 लोग,
एक मारने वाला स्वर्गीय मिस्टर देबोजीत सरकार और दूसरा मिस सुमोना चटर्जी उनको मारने वाली, जिन्होंने उनको जहर का इंजेक्शन देकर मार दिया। नहीं, नहीं मारा है मैंने। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि तुमने उनको मारा। नहीं, तुमने उनको अपने पर्सनल फायदे के लिए मारा। देबोजीत ने तुमको खुद को मारने के लिए मजबूर किया। नहीं, तुमने उसे इंजेक्शन लगाकर मौत दी, किंतु इच्छा मृत्यु यही देश का कानून में जुर्म है, जुर्म है, जुर्म है। मैं नहीं थी वहाँ, नहीं थी, मैंने नहीं मारा। तुमको इसका सजा मिलेगा यहीं आज इस अदालत में। मैंने नहीं मारा, नहीं किया मैंने। मिस्टर पाठक, आर यू इन ट्रबल और आर यू इन ट्रबल? आई एम इन ट्रबल। ठीक बोल रहे आपने। मैं मेरी तकलीफ, मेरा ट्रबल ये है मिस्टर मजूमदार, कि ये वही कैमरा है, ये वही रिकॉर्डिंग है जिस पर देबोजीत ने ये कहा कि शुमोना उस समय उस कमरे में उपस्थित थी। आपको एक कैमरा का रिकॉर्डिंग में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, नो रूम फॉर एनी डाउट। द ट्रबल, ट्रबल इज दिस के पुलिस ने ये कैमरा देबोजीत के कमरे की बंद अलमारी से बरामद किया, तो ट्रबल ये है कि ये कैमरा उस बंद अलमारी में पहुंचा कैसे? देखिए पारक बाबू, आप इस देश का बहुत जाना माना, बहुत बड़ा वकील है, बहुत स्टडी किया है आपने, बहुत केस सॉल्व किया है, सो एम आई। आप और हम बहुत दिमाग वाला आदमी है, किंतु ए मैडम नहीं है, एक क्रिमिनल माइंडेड है। क्रिमिनल के माइंड से उसने क्या सोचा कि ए वीडियो के भीतर में देबोजीत सरकार सारा ब्लेम अपने ऊपर लेके इनको क्लीन चिट देके मार गया। और सुमोना मैडम खुद यही चाहती थी कि ए कैमरा पुलिस के हाथ लगे, ताकि उनको ये सबूत मिले कि ये बेकसूर है। सारा इल्जाम तो उसने अपने सिर में ले लिया। उसके बाद सुमोना मैडम ने ही कैमरा को बंद करके अलमारी का भीतर में रखा और देबोजीत सरकार का बेरहमी से कत्ल कर दिया। नहीं, मैंने इस कैमरा को देखा तक नहीं और ना ही छुआ। इन्होंने इस कैमरा को छुआ तक नहीं। आपके पास इसके विरुद्ध भी साक्ष्य अवश्य होगा, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट है इस कैमरे का। ओ, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट? वो तो योर ऑनर, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक इस कैमरे का फिंगरप्रिंट रिपोर्ट नहीं आ जाता, हमें इस केस को यहीं स्थगित करना चाहिए। इंस्पेक्टर घोष, प्लीज डू द नीडफुल। ये अदालत 17 मई दोपहर 2:30 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है। उस वीडियो में देबोजीत ने सामने देखकर तुम्हारा नाम लिया, लेकिन तुम कहती हो कि जब तक तुम वहां पहुंची देबोजीत मर चुका था, तो फिर किसे देखकर उसने तुम्हारा नाम लिया? मुझे नहीं पता सर, लेकिन वो मैं नहीं थी, कोई और होगा। बात बताओ, देबोजीत की दृष्टि ठीक थी? उन्हें -2 नंबर था। -2? इतना अधिक भी नहीं, इतना कम भी नहीं, लेकिन उस कमरे में अंधेरा था, हो सकता है उसने किसी और को देखकर तुम्हारा नाम पुकारा हो। और कौन कौन था उस घर में? मेरे अलावा कोई दूसरी लेडी वहाँ? शीमा, लेकिन पिशीमा तो दूर से भी मेरी तरह नहीं लगती। किंतु देबोजीत की पत्नी संदली, उसे देखकर तो देबोजीत धोखा खा सकता है, ये सोच सकता है कि तुम। नहीं नहीं, संदली मैम नहीं। केडी सर, मुझे अभी भी श्यान पे शक हो रहा है, वो हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है। उसी ने देबोजीत को मारा होगा। शयन ने, संदली ने या किसी और ने? डोंट वरी मैडम, ये केस हम जीत जाएंगे। मिस्टर देबोजीत की सारी प्रॉपर्टी आपकी ही होगी, क्योंकि मैंने ये जो डिवोर्स एग्रीमेंट बनाया है, इसमें क्लॉज नंबर 2 आपकी फेवर में है। और उसकी पिशीमा, उसकी पिशीमा उसकी इकलौती रिश्तेदार है, उसका क्या? वो बुढ़िया कब तक खैर मनाएगी? मिस्टर दाश मुंशी, आप यहाँ? हाँ सैंडली बेटी, हम आपको एडवांस में बधाई देने के लिए आए हैं। फाइनली जो देबोजीत का एस्टेट आपको चाहिए था, वो आपका हो जाएगा और आपसे हमें मिल जाएगी। ओह, तो देबोजीत ने जो डील आपको रिफ्यूज की थी, अब वो लेकर आप मेरे पास आए हैं? की बोल जी, हम उसी को मानता है जिसके हाथ में पावर होता है, यानी कि तुम।
अब ये बताओ, ये सरकार एस्टेट तुम हमें बेचेगा? सोचूंगी। हाँ सोचिए, सोचने में आपका यह मदद करेगी। ठीक है, लेकिन आपने जो भी देबोजीत को ऑफर किया है, मैं उससे 20% ज्यादा लूंगी। ये नहीं चल रहा है। अरे ये तो ब्लैकमेल है। ब्लैकमेल उसे किया जाता है दाश मुंशी जी, जिसकी डीड्स, जिसकी करतूते ब्लैक हो। डू यू अंडरस्टैंड? आमी की बोलची। क्या लगता है आपको, किसने मारा है देबोजीत को? सुमोना। पर मैं सपने में भी कभी ये नहीं सोच सकती कि सुमोना ऐसा कर सकती है। बोबो के लिए मेरे बाद सुमोना पर ही मेरा सबसे ज्यादा भरोसा था। सुमोना ने कहा था कि जब वो घर में आई तो घर का मुख्य द्वार खुला हुआ था। आप भी जब मंदिर से वापस आई तो द्वार खुला हुआ था। अब ताला तो टूटा हुआ था नहीं तो स्पष्ट है कि किसी ने चाबी का प्रयोग किया। इस घर की चाबियां और किस किस के पास है? घर की दो चाबी है, एक सुमोना के पास रहती है, एक शांडली के पास। शांडली और देबोजीत का डिवोर्स केस का घर का मामला अभी तक फैसला पूरा नहीं हुआ। पिशिमा, ये देबोजीत का घर, धन संपत्ति, जायदाद, कुल मिला के इसकी कीमत क्या होगी? पता नहीं बेटा, पर मेरे बोबो के जान की कीमत से कम ही होगी। पिशिमा, जब आप मंदिर से घर लौटी तो घर के अंदर आते ही आपने वहां मेज पर कोई मोबाइल फोन देखा था? अच्छा, तो फिर वो मोबाइल फोन गया कहाँ, किसका था? मुझे पूरा विश्वास है कि जिसका वो सेलफोन था हत्यारा वही है। मैं जरा ऐसी काम कर दूं, बोबो को ठंडी लग जाएगी। देखो कितना सुकून से सो रहा है मेरा बेटा, कल देखना वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अमर भालो छेले। पिशिमा, वो प्रबल बाबू नजर नहीं आ रहे। काम छोड़ दिया, किसी दूसरा एक्टर के पास वो काम कर रहे हैं आजकल। दूसरा एक्टर कौन? अच्छा की हाँ, what rubbish in the industry of Prashant ji Uttam Kumar, I'll say it is horrible dialogues. आजकल पब्लिक को यही सब डायलॉग पसंद है। हाँ बोलिए ना। प्रबल बाबू, तुमको मैनेजर लिया एक्टिंग गुरु नहीं, तुम्हें सुपरस्टार को दिखाओगे, समझाओगे एक्टिंग कैसे करना है? मैंने मुझे पता है वो देबोजीत के करियर को तुमने कितने चार चांद लगा दिए, और आगे मेरा मुंह मत खुलवाओ, समझे? जाओ, चेंज द लाइन। क्या दादा, अब भी सब आदमी के सामने में ऐसे ही इंसल्ट कर देता हमारा। देखिए, देबूदा के बारे में ऐसे बात मत बोलिए। हम जानता है जो कोर्ट नहीं जानता है। अब जानता है क्या उसके बारे में? अब इतना अच्छा आदमी के बारे में ऐसा बोल रहा है? कभी भी सुना है उसके बारे में ऐसा? कुछ भी बोल देता आप, ऐसे होता है क्या कभी है? घर में सुपारी कौन खाता है? क्यों ना, सॉरी सर, भूल हो गया छे, हमको कारपेट के नीचे साफ करना चाहिए था। योर ऑनर, सुगंध सुपारी का ये पैकेट मुझे देबोजीत सरकार के हॉल के कारपेट के नीचे से मिला। अब उस घर में ना देबोजीत सुपारी खाते थे, ना मिसेस गुहा, ना मैनेजर प्रबल दास, ना सेविका गोदावरी, और ना ही सुमोना। प्रश्न ये है कि ये सुपारी का खाली पैकेट वहां आया कैसे? मिस्टर पाठक, घर में तरह तरह का लोग आता है, दस तरह का लोग आता है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ग्रोसरी बॉय, डिफेंस लॉयर। हाँ, ये सारे लोग आते हैं, किंतु इनमें से किसी की उंगलियों के निशान इस पर नहीं, और इस पर
जिनके उंगलियों के निशान हैं वो मिस्टर दास, मुंशी, हमी। हाँ, क्या बोलते हैं बंगाली में, अशुंत एक टू एदिके। दास मुंशी जी, सुपारी खाते हैं आप? सुगंध सुपारी जी, कभी कभी। हाँ, कभी कभी। और आप देवोजीत के घर भी गए थे, तभी तो आपके सुपारी का पैकेट वहां नीचे मिला। गए थे ना? हाँ, हाँ, पर एक मिनट, एक मिनट राजमुंशी बाबू, एक मिनट। दादा, हाँ, अमर्त्य सेन जी का नाम सुना है? बहुत बड़ा बंगाली इकोनॉमिक, उनका एक तो चोरी है। चोरी तो आपको मालूम है, हमको याद नहीं होगा, किंतु उसका रिजल्ट हम बहुत अच्छे से स्टडी किया है। और उसका रिजल्ट यही है कि किसी भी छोटा सबूत के लिए हम किसी रिजल्ट पर आने नहीं सकता। जरूरी नहीं है कि वो सुपारी का पैकेट उसी दिन में उधर में गिरा हो या छूट गया हो। इट कुड बी अनदर डे, जज साहब। हाँ, ये सही बोल रहे हैं। 20 दिन पहले मैं देवोजीत का हालचाल पूछने उनका घर गया था। ये सुपारी का पहुंच उसी दिन का होगा। यही खड़े रहेंगे ना? यू मे प्रोसीड सर, प्रोसीड। थैंक यू, बचा लिया बंगाली बाबू ने। फोन कहाँ है आपका? फोन है आपके पास? मोबाइल फोन? कौन सा मॉडल दिखाइए। फोन ये कोर्ट एरिया के लिए ऑफ करके रखती है। अरे क्या बात है, बहुत सभ्य नागरिक है आप। मैं भी सभ्य वकील हूँ, देखिए मेरा फोन भी ऑफ है। चलिए मैं ऑन कर लेता हूँ, आप भी अपना ऑन कर लीजिए। क्या नंबर बताया आपने? 9830476665। सर ये वही रिंगटोन है जो उस दिन मैंने देवोजीत सर के घर पे सुनी। हाँ तो दास मुंशी जी, अपना फोन ऑफ करिए और ऑन हो जाइए, बताइए क्या है कहानी। नहीं बताना चाहते हैं तो आपके फोन के रिकॉर्ड से पता लगा सकते हैं कि नहीं, 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 इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं एक रेस्पेक्टेबल हिंदुस्तानी नागरिक हूँ। हाँ, मैं कोर्ट की इज्जत करता हूँ। जी हाँ, उस दिन मैं देवोजीत के घर गया था। क्यों गए थे वहाँ? हम बहुत दिनों से मिस्टर देवोजीत से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनका एस्टेट हमें भेजे, और इसी सिलसिले में वहाँ गए थे। अच्छा, तो वो आप थे जिसने उनका दरवाजा खुला छोड़ दिया था? What? No, 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 no. जब हम वहां पहुंचे थे तो वहां दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। और अरे कोई है? पिशिमा, पिशिमा, हेलो, हेलो, मिसेस गोवा, मिसेस गोवा। अरे देवोदा, अरे हाँ, स्लीपिंग। ओके ओके, हम बहुत नहाएंगे। हाँ हाँ, ओके। फिर मैं घर पहुंचा तो मुझे याद आया कि मेरा फोन वहीं रह गया, और फिर देवोजीत का मर्डर का खबर सुना तो मैं गोबर गया। गोतावरी को मैंने फोन किया और उसे कहा कि मैं तुझे 10,000 रुपये देगा, मेरा फोन वहां से गायब कर दे और मुझे लाके दे। समझ गया। आपने आपने देवोजीत की हत्या की और पुलिस के डर से आपने ये सब कहा? नहीं 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 नहीं, आई स्वेयर, हमको लगा कि देवोजीत सो रहे थे, हम वहां से चला गए। ऐसी लेकिन आपने ये बात पहले नहीं कही, क्यों? हम डर गया था, हमको लगा कि पुलिस को यह पता चलेगा कि हम उधर था तो पुलिस 100% हम पर शक करेगा कि हम देवोजीत का मर्डर उस एस्टेट के वजह से किया। यू सी मिस्टर पाठक, आई हैड ए रीजन, मोटिव। ऑफ कोर्स, न वेरी मोटा मोटिव। योर ऑनर, देवोजीत सरकार की संपत्ति, उनकी जायदाद जिन्हें ये हत्याना चाह रहे थे, उस जायदाद का इस समय 120 करोड़ रुपए मूल्य होगा। योर ऑनर, और उस 120 करोड़ रुपए की संपत्ति की वारिस देवोजीत जी के जाने के बाद उनकी पत्नी संदली होती।
आप संदली के साथ सौदा किया और देवोजीत जी को रास्ते से हटाया, राइट? लिसन, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये गलत है, लेकिन आई थैंक यू फॉर दिस। परमानेंट स्लीपिंग बाबोशा है। थैंक यू। नो, नॉट लाइक दैट, एब्सोल्युटली नॉट लाइक दैट। अब तक मैं चुप था, अभी आपको पता चला कि मैं वहां था तो सारे ब्लेम आप मुझ पर डाल रहे हैं, मिस्टर प्रोसिक्यूटर। नाशमुंची बाबू, आप चिंता मत कीजिए, लंबा सांस लीजिए, एकदम टेंशन मत लीजिए। आपका हालत तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का कविता के जैसा हो गया, वो जो क्या था? जो आपको याद नहीं होगा इस समय। हाँ, हमको याद नहीं है, किंतु वो पॉइंट नहीं है। जानता है दादा, पॉइंट उसका रिजल्ट है। आप जानता है रिजल्ट क्या है? जानता है कि हम जो बोल रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, किंतु बात यही है कि जो वीडियो हम अदालत के सामने में प्रूफ के तौर पे पेश किया है, वो वीडियो के भीतर में मिस्टर देवोजीत सरकार जिंदा था और अपना मुंह से ऐसा बोला है कि आओ सुमोना, यही आपको कौन सा एंगल से सुमोना दिखता है? योर ऑनर, देवोजीत सरकार की आंखें कमजोर थी और इस वीडियो रिकॉर्डिंग से स्पष्ट है कि उस समय उन्होंने अपने चश्मे नहीं पहने थे, हो सकता है उन्हें देखने में भूल हुई हो। धोखा पाठक बाबू, धोखा, और वो भी इतना बड़ा धोखा। दादा, फॉर योर काइंडेस्ट इन्फॉर्मेशन, ये जरूरी नहीं है कि आदमी चश्मा लगाएगा या चश्मा नहीं लगाएगा तभी उसको कोई चीज दिखेगा या नहीं दिखेगा। कॉन्टेक्ट लेंस के बारे में आप जानता है, सुना है कभी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि जिस टाइम मिस्टर देवजीत सरकार का मर्डर हुआ उन्होंने कॉन्टेक्ट लेंस पहना था, उनका विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। और हम पूरा यकीन से बोल सकता है कि मिस्टर देवजीत सरकार ने जिनको देखा था वो यही था, सुमोना चटर्जी। इन्होंने कैमरा को बंद करके अलमारी का भीतर में रखा और बाद में उनका मर्डर कर दिया। लेकिन अभी उस वीडियो कैमरा पर इनके उंगलियों के निशान नहीं है। हाँ, उंगली का निशान क्यों नहीं है वो भी हम बताता है। ये जो लेडी है बहुत चतुर है, चालाक है, वो मामूली क्रिमिनल नहीं है दादा। उसने हाथ की उंगली के ऊपर में तेल लगाया, फिर कैमरा को ऑपरेट किया, तो कैमरा के ऊपर तो ऑयल आएगा तो निशान आएगा नहीं ना हाथ का। मैडम, ऐसा ही किया आपने, बराबर बोला हम? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप झूठ बोल रहे हैं मैडम, आपने यूं मर्डर किया है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। Enough! I said enough! Shimona बेकसूर है और ये बात सिर्फ मैं जानता हूं। वो बेकसूर ही नहीं है बल्कि उसका शक सही है। हाँ Shimona, मैंने मारा है देवजीत को। तंग आ गया था रोज रोज तुम्हारे मुंह से उसका नाम सुनते हुए। उसके तुम्हारी जिंदगी में आने से पहले कितना खुश थे हम, लेकिन उसके आने के बाद सब खत्म हो गया। और ये जरूरी हो गया था कि वापस एक नई शुरुआत के लिए मैं उसे मार डालूं। Shimona के पास देवजीत की घर की चाबी थी, मैंने उस चाबी को चुरा कर उसकी एक नई कॉपी बनवाई और उस दिन देवजीत के घर के बाहर खड़ा रहा, इंतजार करता रहा कि जैसे ही गोदावरी और पीशी मां घर के बाहर निकलेंगे मैं अंदर चला जाऊंगा। और वैसे भी देवजीत उस दिन उनके जाने के बाद अकेला था। आज तक Shimona सिर्फ मेरी नर्स थी, लेकिन अब वो मेरी सेवियर होगी। ए Shimona, आओ आओ, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे ये क्या, तुम कौन हो? यही तो मेरी लाइफ का प्रॉब्लम है देवजीत। ओ आई एम सो सॉरी सुपरस्टार देवजीत, तुम्हारे स्टारडम की चकाचौंध रोशनी से अंधी होकर Shimona भी मुझ जैसे आम आदमी से यही सवाल करती है कि तुम कौन हो। तुम शयन? हाँ शयन, और आज मैं यहां पर हम दोनों की विश पूरी करने आया।
तुम्हें मौत चाहिए और मुझे जिंदगी। क्या मतलब? What do you mean? और शमोना में मेरी जिंदगी है, इसलिए मिस्टर सुपरस्टार आज आपकी जिंदगी का पर्दा गिरना बहुत जरूरी है। The end. Is it? Listen, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये गलत है, लेकिन I thank you for this. तो मार दिया मैंने उसको, मार दिया। चंद, तुम्हारी कहानी तो anyway, ये बताओ कि जिस सिरिंज से तुमने देवोजीत को इंजेक्शन दिया था वो कहाँ है? वो सिरिंज मैंने घर ले जाकर मैंने उसको तोड़कर जला दिया मैंने। योर ऑनर, तो क्वेश्चन इधर में हमारा पैदा होता है, और वो ए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हिसाब से देवोजीत सरकार का जिस वक्त मर्डर हुआ उन्होंने कॉन्टेक्ट लेंस लगाया था, तो फिर इनको उन्होंने शमोना कैसे समझ लिया? उस वक्त अंधेरा था तो वो मुझे पहचान नहीं पाया। नहीं, क्या किया चाहे? क्या किया तुमने? मुझे नहीं पता था कि मेरी गलती की सजा तुम्हें मिलेगी, मुझे माफ कर दो। मिस्टर शांडे के इस कन्फेशन के बाद अदालत ऑर्डर देती है कि उन्हें कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ की जाए, और जब तक उनके खूनी होने का यकीन कोर्ट को नहीं हो जाता तब तक मिस शमोना पर से कोई भी इल्जाम नहीं हटेगा। सब मेरी गलती है, सब मेरा कसूर है। बोबो को अगर 10 मिनट के लिए अकेले नहीं छोड़ती तो शायद ऐसा नहीं होता। तुझे लुची आलूदम पसंद है ना? जी। बोबो को लुची बहुत पसंद है, आज तो मैं वही बना रही हूँ, तुम देखना वो अपना उंगली चाटता रह जाएगा। मिसेस गुहा, पिशीमा बोल। हाँ पिशीमा, वो कॉन्ट्रैक्टर जो है दास मुंशी जी, उन्होंने कहा था कि जब वो यहाँ आए थे तो ये गैस इसी प्रकार जल रहा था और तेल उबल रहा था, क्या ये? शायद मैं भूल के छोड़ गई थी। जब से ये अपना बोबो जीने मरने का बात करने लगा मुझे कुछ काम में ध्यान नहीं लगता है आजकल। सुन बेटा, तू मुझे पिशीमा बोला है ना, तू मुझे माँ के जैसा मानता है ना, बोबो तेरा भाई जैसा है, तू एक काम करेगा, तू बोबो को समझाएगा कि वो मरने की बात बिल्कुल ना करे। मेरे पास उसके सिवाय और कौन है? वो नहीं रहेगा तो मैं कैसे जी पाऊंगी? तू बात करेगा ना उससे, समझाएगा ना उससे बेटा? जीते रहो बेटा। बेटा अमरनाथ से ना कोई बाबा आए हैं, मुझे जल्दी मंदिर जाना है, बोबो के लिए कुछ प्रसाद लाए हैं, उसको देना है, वो ठीक हो जाएगा। फिर से गैस खुला छोड़कर चले गए, इसका मतलब दास मुंशी सही कह रहा था। प्रबल बाबू आप यहाँ, आप तो दूसरे। अरे छोड़ दिया उस तरुण कुमार को। वो कोई सुपरस्टार उपस्टार नहीं है, सुपर विलन है वो। किंतु दादा हमने बहुत शेमलेस काम किया है। देवूदा का मरने का 2 दिन के अंदर में हम यहाँ से चला गया, किंतु अभी हम यहाँ पर आ गया है। आई एम बैक, अभी हम पिशीमा को देखेगा तो बहुत अच्छी बात है। किंतु केडी बाबू एक बात बोलेगा, शियान का कॉन्फेस करने के बाद में ना देखना आप ये केस जीत जाएगा। आपने ठीक ही कहा था कि शमोना ने कोई गलती नहीं किया है, वो तो हम ही लोग सब उस पर डाउट कर रहा था, सिर्फ आपको छोड़कर। किंतु मुझे अब भी ये डाउट है कि शयन हत्यारा नहीं है, नहीं समझे ना? मतलब आइए समझाता हूँ। आइए, मेरा शयन पर डाउट जाने का कारण ये है कि कैमरा यहाँ लगा था, देवोचित बेड पर था, कैमरा के फुटेज के अनुसार वो पूरी रोशनी में था,
चैन ने यह कहा कि जब वो इस कमरे में आया तो इस कमरे में अंधेरा था। हो सकता है उस कमरे में अंधेरा था, इस कमरे में तो रोशनी थी। इसका मतलब इस कमरे की रोशनी शयन के चेहरे पर पड़ी होगी। देवोजीत ने शयन को देखा होगा तो उसने शमुना क्यों कहा है? इसका अर्थ यह निकलता है कि शयन झूठ बोल रहा है, हत्या उसने नहीं की। केडी बाबू, यदि ऐसा है ना तो शमुना ने ही देवुदा को मर्डर किया होगा। बेटा ये देखो, ये क्या है? ये मुझे गार्डन में गमले में मिला था। प्रबोल, ये वही सिरिंज है ना? अरे मत लगाइए। केडी बाबू, लगता है कि ये वही सिरिंज है जो हमने देवुदा को खुद अपने हाथों से ले आकर के दिया था। अब तो पूरी तरह प्रमाणित हो गया कि शयन झूठ बोल रहा है, क्योंकि शयन ने अदालत में कहा था कि उसने ये सिरिंज तोड़कर जला दिया। शयन जी, जिस सिरिंज से देवोजीत सरकार को पोटेशियम क्लोराइड डेरिवेटिव देकर मारा गया था, वो ये रहा। अब अचंभित कर देने वाली बात यह है कि आपने कहा था कि आपने इस सिरिंज को तोड़ दिया, जला दिया, नष्ट कर दिया, तो फिर ये तो साबित है। मैं वो और इससे भी अधिक अचंभे वाली बात यह है कि इस पर आपकी उंगलियों के निशान भी ऊपर। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि सिरिंज इस्तेमाल करने से पहले मैंने हाथों में तेल लगा लिया था। कौन सा तेल लगाया था? मतलब नहीं, मतलब कई प्रकार के तेल होते हैं, जैसे बादाम का तेल, जैतून का तेल, राय का तेल, नारियल का तेल। नारियल का तेल। आपने नारियल का तेल लगाया? जी। तो भाग्यवश जो कैमरा पुलिस ने देवोजीत सरकार की अलमारी से बरामद किया, उस पर जो तेल लगा हुआ था, जांच के अनुसार वो देवोजीत सरकार की रसोई का सूरजमुखी का तेल है, नारियल तेल नहीं। अब बताइए मिस्टर डे कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं, शमुना को बचाने के लिए नहीं बोल रहे हैं? शमुना को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं आप? क्योंकि प्रथम बार जब आप मेरे ऑफिस आए थे, आपने मुझसे कहा था कि सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आप शमुना से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, कहीं यही प्रेम आपकी बलिदान का कारण तो नहीं? सर, मैं तो बस शमुना को बचाना चाहता था, इसी वजह से। ए बाबू, आपको क्या लगता है कोर्ट का भीतर में मजाक मस्ती चलता है? मतलब क्या ऐसा रबिश बयान देने का? हाँ, क्या स्टेटमेंट दिया है तू? जब चाहे आयशा इल्जाम से इनकार कर दिया, जब चाहे इल्जाम अपने सर के ऊपर में ले लिया। ये जो डाइकोटोमी होता है ना, ये बड़ा बड़ा बंगाली थिंकर लोगों किताब में होता है, इधर अदालत में नहीं। अब रहने दीजिए मिस्टर मजूमदार, याद तो होगा नहीं आपको। वैसे भी दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है योर ऑनर कि अदालत में स्पष्ट हो चुका है कि शयन ने देवोजीत सरकार की हत्या नहीं। हाँ, बिल्कुल बराबर बोलता है। ए, हमारा काबिल दोस्त बिल्कुल बराबर बोलता है जज साहब, क्योंकि हत्या तो इसने किया है, ए शमुना चटर्जी ने। ए है असली हत्यारिन। हत्यारिन नहीं, हत्यारा मिस्टर मजूमदार। हत्यारा? हत्यारा। योर ऑनर, आपकी मेज पर रखी हुई फोरेंसिक्स की सूची ये प्रमाणित कर चुकी है कि ये वही सिरिंज है जिससे देवोजीत सरकार को पोटेशियम क्लोराइड डेरिवेटिव देकर मारा गया था। मैंने इस सिरिंज की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट निकलवाई है योर ऑनर, और इससे स्पष्ट होता है कि इस पर दो व्यक्तियों की उंगलियों के निशान है। किसकी उंगलियों के निशान है इस पर मिस्टर पाठ? पहला योर ऑनर ऑब्वियसली मिसेस गुहा का, क्योंकि उन्होंने ये सिरिंज बगीचे से उठाकर मुझे दी। लेकिन दूसरा व्यक्ति योर ऑनर जिसकी उंगलियों के निशान इस पर है, उसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। सुपरस्टार ऑफ बंगाली सिनेमा मिस्टर तरुण कुमार। Are you sure? इस पर मेरी उंगलियों के ही निशान है? तरुण जी, मेरे श्योर होने ना होने से क्या होता है। हाँ, किंतु इस बात की पुष्टि कोलकाता पुलिस के फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट ने की है। लिसन टू मी, मैंने देवोजीत को नहीं मारा। कौन सा हत्यारा अदालत में खड़ा होकर कहता है कि हत्या उसने की है? आप भी यही कहेंगे? सीरियसली, मैं तो उसके घर के बाहर से गुजर रहा था, मैंने सोचा
दो मिनट उसे मिलता चलूं, और मैं उसके घर उसे हाय बोलने ही गया था, लॉन एरिया में, गार्डन एरिया में एंट्री कर रहा था जब हटा की शे। हाँ शेरुन आ गए। हाँ उसको मेरे वैन में बैठा, मैं बस आ रहा हूँ। सॉरी माय फ्रेंड, बहुत कुछ मिस कर रहे हो क्या? आप मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं? आई स्वयं मैं घर के अंदर नहीं गया था। आप चाहे तो मेरे डायरेक्टर से पूछ लीजिए जिसने मुझे फोन किया था। पता नहीं मिस्टर तरुण कुमार, मर्डर वेपन हत्या के शस्त्र पे आपकी उंगलियों के निशान का पाया जाना कोई छोटी बात तो है नहीं। और वैसे भी मैं देखा है कि प्रारंभ से आप सुनवाई में वहां बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं आपने अदालत को बताया कि आप जानते थे कि वो सिरिंज गार्डन में पड़ा हुआ है? क्यों ये बात छिपा कर रखी? वो बोलिए बोलिए, क्यों छिपा कर रखी? जी आप राइट हो, मुझे मुझे बोलना चाहिए था, अब केस को हेल्प मिलता आपको पकड़ने में। नो सर, मैं डर गया था सर। आई एम अ मेगा स्टार, कंट्रोवर्सी हो जाता, पूरा मीडिया बोलता कि एक सुपरस्टार ने दूसरे सुपरस्टार को मार दिया। सर आपको नहीं पता हम एक्टर्स को किन किन इनसिक्योरिटीज का सामना करना पड़ता है। क्षमा चाहता हूं, अब तो आपको सिक्योरिटी का सामना करना पड़ेगा। पर मैंने देबोजीत को नहीं मारा। एकदम करेक्ट बोलता, एकदम करेक्ट बोलता है आदमी, एकदम करेक्ट, ही इज इनोसेंट। अरे इतना बड़ा सुपरस्टार के हाथ में तेल लगा के मर्डर करने के लिए जाएगा? तो कौन लगा कर गया था तेल, आप ही बता दीजिए। हमको क्या मालूम दादा, हम क्या उस दिन उधर में था क्या? क्या इधर हमारा चेहरा की तरफ में क्या देखता है आप? योर ऑनर, मैं देबोजीत सरकार की बुआ, उनकी पिशी माँ मिसेस गुहा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है? कैसी हैं आप पिशी माँ? पिशी माँ याद है उस दिन जब मैं आपके घर आया था, आपने वहाँ बागीचे में से एक सिरिंज उठाकर मुझे दिया था, उस समय आप रसोई में कुछ बना रही थी। मैं लूची और आलू दम बना रही थी, बोबो का मनपसंद। तो उस समय आपने प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा था, आपके हाथों से तेल लग गया था मेरे बालों में, तेल लगाया था आपने हाथों में। मैं जब लूची का आटा गूंथती हूँ तो हमेशा हाथ में तेल लगाती हूँ, नहीं तो हाथ में आटा चिपक जाता है। हाँ तो कौन से तेल का प्रयोग करती हैं आप? सूरजमुखी के? जी। उस दिन जब देबोजीत जी के साथ बुबो के साथ ये दुखद घटना घटी, उस दिन भी आप कुछ बना रही थी? जी मैं लूची और आलू दम। लूची आलू दम, स्पष्ट है कि उस दिन भी आपने अपने हाथों पे तेल मला होगा सूरजमुखी का। जी जी हाँ। तो फिर रसोई में से आप सीधा मंदिर गई या पहले बुबो के कमरे में गई थी? मुझे याद नहीं आ रहा है। पिछमा जरा याद करिए, आपका याद करना बहुत आवश्यक है। वो हिस्सा ब्लैंक जैसा लग रहा है, याद नहीं आ रहा है। सोचिए जरा प्लीज। हाँ हाँ हाँ, मैं उसके कमरे में गई थी, उस टाइम वो किसी से बात कर रहा था, पर जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि वो अकेला है और अपना वीडियो कैमरा से बात कर रहा था। हाँ वो उस वीडियो कैमरा से बात कर रहे थे, वीडियो कैमरा से कह रहे थे कि शुमोना वहाँ आने वाली है उन्हें मारने, और उनके मरण का उत्तरदायी वो स्वयं है, तो कोई शुमोना को दोष न दे। फिर आपने वो उस कैमरा को उठाया और अलमारी के अंदर रखा के हाथ से तेल के निशान उसमें लगे। आज तक शिमोना सिर्फ मेरी नर्स थी, लेकिन अब वो मेरी सेवियर होगी। मेरा किला, मेरा सेवियर।
शिमोना आ गई तुम, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं तुम्हारे बारे में ही बात करता हूँ। अरे ये क्या, मैं तेरी जान लेने वाली शिमोना नहीं हूँ। आई नो पिशिमा, आई वाज जस्ट जोकिंग। वो क्या है कि आज मुझे हर कोई शिमोना नजर आ रही। अच्छा एक बात कहूँ पिशिमा, तुम भी शिमोना से कुछ सुंदर नहीं हो, आज भी रॉयल बंगाल टाइगर्स। हाँ हाँ, मैंने ही कैमरा को अंदर बंद करके रख दिया था। क्यों बंद क्यों किया था आपने उस कैमरा को? वो मरने का बात कर रहा था, मैं क्या ये सब सुनती? गुस्सा आया हो? कौन माँ ऐसा है जिसे गुस्सा नहीं आएगा, मैंने तो उसको बहुत डांटा। देख बोबो, मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर तूने मरने की बात की ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। Come on, Vichy. This is my life, ये मेरी life है। नहीं, ये मेरी life है। जब तू इतना सा था ना तब से मैं तुझे संभाल रही हूँ, तेरी जिंदगी पर तुझसे ज्यादा मेरा हक है। आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है Vichy, हाँ कर रही हूँ, तू जो कहना है कर, पर आज मैं तुझे तेरी ये जो मनहूस इंजेक्शन है ना उसको तोड़ के रखूंगा। ऋषि, ऋषिमा, 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 आपने वो इंजेक्शन नहीं तोड़ा, क्यों नहीं तोड़ा? नहीं, मैं नहीं तोड़ा। नहीं तोड़ा? नहीं, क्यों नहीं तोड़ा? मैंने क्या किया याद नहीं है। याद करिए विशिमा। ये मेरा फैसला है, मैं मरना चाहता हूँ पिशी। चुप कर बोबो, बहुत हो गया। हाँ बहुत हो गया, मेरी जिंदगी एक कैद, इस कैद से आजाद कर दो मुझे पिशी। इतने सालों से भटक भटक के तेरे लिए मैं जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी पिशी। बोबो एक भी शब्द बोला तो तुझे मेरी कसम। तुम्हें मेरी कसम है पिशी, मार दो मुझे। Just kill me. Bobo. Kill me. Bobo, अब तू चुप कर। Kill me, Pishi. Kill me right now. Bobo. Kill me now. Kill me. Just do it. तू मरना चाहता है? हाँ. Kill me. तू मरना चाहता है? हाँ मरना चाहता है. तू मरना चाहता है? Thank you, Pishi. Thank you so much. तू जीना नहीं चाहता है ना? मैं कौन होती हूँ तुझे रोकने वाली? तू पिशी माँ को छोड़ के जा रहा है। जा, तू तुझे जहाँ जाना है तू जा। Thank you. Fish. बोबो, ए बोबो, मैं तो तुझे डरा रही थी, तू बुरा मान गया? अरे मेरे होते हुए तुझे कुछ हो सकता है क्या? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, तू तो मेरा जान है। मैं अभी जाती हूँ, अभी जाके मंदिर से तेरे लिए प्रसाद लाती हूँ, ऋषिकेश बाबा का प्रसाद तू खाएगा तो तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे ये कौन रखा है? मैं ये इंजेक्शन फेंक के आती हूँ और मंदिर जाके तेरे लिए प्रसाद लाती हूँ, तू आराम से सो बेटा। तुम लोगों को लगता है कि मैंने उसे मारा? मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो बस उसको सबक सिखा रही थी। जैसे माँ अपने बच्चे का कान पकड़ के और वो कुछ शैतानी करता है तो उसको डराती है, वैसे ही मैं बोबो को, बोबो तो मुझे भगवान मानता था, जन्म या मृत्यु भगवान के हाथ में है। मैंने नहीं मारा, सुमोना ने भी नहीं मारा। मेरे होते हुए कोई उसको मार सकता है क्या? वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अभी तो उसको खाना खाना है, मैं उसके लिए खाना बना रही हूँ, लुच्ची खाएगा आके वो। Your Honor, इस मुकदमे से साफ होता है कि हर हत्या लालच, बदला, ईर्ष्या या नफरत के कारण नहीं होता,
इस केस में एक बेटे के प्रति उसकी पिछली मां का प्रेम ही उसकी हत्या का कारण बनी। I really don't know what to say, किंतु अदालत से निवेदन करूंगा कि जो भी निर्णय लिया जाए, हत्या की परिस्थिति और मिसेस गुहा की मानसिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए लिया जाए। The defense rests। ये अदालत मिसेस निलंजना गुहा को अपने भतीजे देवोजी सरकार के कत्ल में दोषी पाते हुए उन पर कार्रवाई करने का हुक्म देती है और मिस शोमोना चैटर्जी को इस कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. See you. Congratulations, Patak Babu. Thank you, Mr. Majumdar. Such a mental prowess. Bhishma thinking, vocal ability. आप क्या बंगाली है? Mother का चाहिए ना father का चाहिए? हर साइड से, हर प्रकार से मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मिस्टर मजुमदार, हम सब एक ही तो हैं। और बड़े ही विद्वान व्यक्ति ने कहा था, Where the world is not broken into fragments by narrow domestic walls, into that heaven of freedom, let my India awake. हाँ, याद है, वो कोई तो बहुत बड़ा थिंकर था, क्या? रविंद्रनाथ टैगोर? हाँ, रविंद्रनाथ, निश्चय, सॉरी दादा, हमारा तो भूलने का आदत है। सही कहते हैं, एक हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान से बाहर ले जाया जा सकता है, किंतु हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी से बाहर इम्पॉसिबल।